अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है और सर्वे में ये बात सामने आई है कि भारत में रोजगार निर्माण एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। भारत में बेरोजगारी दर अपने 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, उद्यमों और उद्यमिता का विकास, रोजगार के साथ स्वरोजगार के भी हों ढेरों अवसर, स्किल डेवलपमेंट के साथ हुनरमंद बनकर नौजवान नौकरी तलाशने के बजाय नौकरी देने वाले बने और स्टार्टअप्स के साथ यूथ के सपनों को मिले एक नई उड़ान, ये है नए भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। सरकार के इन्हीं लगातार प्रयासों का परिणाम है कि गांवों से लेकर शहरों तक में बेरोजगारी की दर अब बीते 6 साल में सबसे निचले स्तर पर खिसक गई है। ये खुशखबरी सामने आई है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2022-2023 में, जिसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने हाल ही में जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान देश में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले युवाओं में बेरोजगारी की दर 3.2% रिकॉर्ड की गई, जो कि बीते 6 साल में सबसे कम है। इस सर्वे की एक और बहुत प्रमुख बात है, सर्वे में सामने आया है कि भारत की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नारी सशक्तिकरण को लेकर भारत में बीते वर्षों में जो योजनाएं बनी हैं, जो अभियान चलाए गए हैं, ये उनका प्रभाव है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर अप्रैल जून 2023 में घटकर 9.1% रह गई, जबकि 1 साल पहले की समान तिमाही में ये 9.5% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवा अमृतकाल में एक नए उत्साह से भरे हुए हैं और युवा सामर्थ्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है।